नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये न्यूमेरिकल जो टाइम और वर्क से रिगार्डिंग है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें एक जो ट्रिक यूज होगी वो ट्रिक भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आप इसे इजीली कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सौरभ और नीरज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब सौरभ और नीरज अगर किसी काम करते हैं तो वो 10 डेज में इस काम को कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, एंड सौरभ अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। अगर सौरभ अकेला काम करता है तो उसे 12 दिन में काम कम्प्लीट कर लेता है। इन हाउ मेनी कैन नीरज डू इट अलोन। अगर नीरज अकेला काम करे तो उसे कितने दिन में काम कम्प्लीट कर सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि नीरज को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नीरज किसी काम को एक्स डेज में काम कम्प्लीट कर लेता है, ठीक है ना, एक्स डेज में उसे काम कम्प्लीट कर लेता है। और यहाँ पर सौरभ उसी काम को 12 दिन में काम कम्प्लीट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर उसमें दिया होगा 12 दिन में काम कम्प्लीट करता है। तो जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक यह है कि सबसे पहले हमको निकालना है कि टोटल यूनिट निकालना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, दोनों के द्वारा कितना यूनिट ऑफ वर्क किया गया है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सभी सॉल्व करूंगा तब बता दूंगा किस तरह से टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। और दूसरा आपको निकालना है यूनिट पर डे, कि वो पर डे कितना यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पहला क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल यूनिट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं टोटल यूनिट, टोटल यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM ऑफ, जो कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि ये एक्स डेज में काम करता है, ये 12 डेज में। तो हम यहाँ निकालेंगे LCM ऑफ एक्स कॉमा 12। तो हम एक्स और 12 का जो LCM लेंगे वो कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स आ जाएगा, 12 इंटू एक्स। तो ये हमारा आ गया टोटल यूनिट आ गया, ये 12 इंटू एक्स, ये टोटल यूनिट हमारा वर्क आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब दूसरा पहले हमने निकाला यूनिट, टोटल यूनिट निकाल लिया, अब दूसरा निकालना है यूनिट पर डे निकालना। तो यूनिट पर डे निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल यूनिट अपॉन टोटल यूनिट हो जाएगा अपॉन टाइम, अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ से निकल आएगा यूनिट पर डे निकल आएगा। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 12 इंटू एक्स दिया हुआ है अपॉन, यहाँ पर नीरज ने एक्स डेज में काम कम्प्लीट करता है तो एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 12 यूनिट पर डे आ गया, मतलब जो एक्स नीरज है वो एक दिन में 12 यूनिट वर्क करता है। ओके, अब सेम यहाँ से निकालेंगे, सौरभ के लिए निकालेंगे टोटल यूनिट पर डे। तो टोटल यूनिट कितना होगा, टोटल यूनिट दोनों के लिए सेम है, तो 12x हो जाएगा अपॉन डेज। इसमें सौरभ के लिए डेज कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स यूनिट पर डे, मतलब कि जो सौरभ है वो एक दिन में एक्स यूनिट वर्क करता है। अगर हम दोनों मिलके काम करें, नीरज और सौरभ दोनों को मिलके काम करें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स यूनिट पर डे काम करेंगे, मतलब कि एक यूनिट एक दिन में वो 12 प्लस एक्स यूनिट काम कर लेंगे। अब हमको निकालें नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट अपॉन यूनिट पर डे, इससे हम लोग निकालेंगे टोटल डेज निकालेंगे। तो टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है आपका, 12 इंटू एक्स टोटल यूनिट दिया हुआ है, और यूनिट पर डे आपको दिया हुआ है 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12 प्लस एक्स, तो ये हमारा जो होल वैल्यूज आ गई, ये क्या आ गया, हमारा डेज आ गया, इतना डेज। चूंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि जब दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 10 दिन में कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये 10 दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने इससे सॉल्व करके ये निकाले दिन, तो हम दोनों क्या इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 10 डेज हो गया, दोनों को इक्वल करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12 इंटू एक्स इक्वल टू 10 एक्स हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। 10 एक्स यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 एक्स हो जाएगा, 12 एक्स माइनस 10 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120। तो हमारा जो x बराबर, तो यहाँ से हमारा x निकल आएगा, x कितना निकल आएगा, 60, एक्स हमारा निकल आएगा 60 आ गया। तो हमारा एक्स हमने यहाँ पर क्या माना था कि नीरज किसी काम, तो नीरज एक्स डेज में काम कम्प्लीट कर लेगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि नीरज उसी काम को 60 डेज में काम को कम्प्लीट कर लेगा। तो हमारा आंसर आ गया 60 डेज, कि नीरज अगर अकेला काम करेगा तो उसको वह 60 डेज में काम कम्प्लीट कर लेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस टेक्निक को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।